हाई एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल रेकी फ्लेम्स। एंड एज प्रोमिस्ड मैं आ गई हूँ वापस बाबा की डेक लेकर। सो आई एम रेडी विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। यू टेक योर टाइम, काम योर माइंड डाउन, पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल एंड डिसाइड विच पाइल ऑफ कार्ड टू सिलेक्ट। एंड इन क्रिस्टल आज है क्लियर क्वार्ट्ज। पाइल वन में आप लोग एक क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल देख सकते हैं, सेकेंड पाइल में रोज क्वार्ट्ज की एक क्रिस्टल है, और थर्ड पाइल में यानी कि पाइल नंबर 3 में ऑरेंज कार्नेलियन है। सो जस्ट फील कौन से वाले पाइल या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, एंड देन वेट फॉर योर टर्न। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड, फ्री विल। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो कार्ड देख लीजिए। दिस इज योर कार्ड, आई होप इट्स विजिबल। इसका मतलब ये है कि हम लोग नॉर्मली जो करते हैं, बाबा मुझको ये चाहिए, बाबा मुझको वो चाहिए, जितना ना कि हम लोग भक्ति करते हैं उतना ज़्यादा तो लंबी हमारी लिस्ट होती है। लाइक वो होता है ना वाइसा वर्सा, कि मैं आपके लिए इतना करूँगी तो आप मेरे लिए इतना करोगे, तो हम लोग वो जो एक लंबी सी लिस्ट होती है सब कुछ, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के एकदम बड़ी से बड़े जो ख्वाब होते हैं हमारे, सब कुछ हम लोग बाबा के सामने रख देते हैं। ये इस तरीके से होना चाहिए, वो उस तरीके से होना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप किसी की भक्ति करते हैं, किसी को पूजते हैं, तो वो दिल से होना चाहिए, ना कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो उसके पीछे कि नहीं मुझको ये चीज़ चाहिए। बहुत सुनते हैं कि बहुत चमत्कारी है बाबा, जो भी मांगो बाबा दे देते हैं, एंड उसके लिए आप अगर भक्ति कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं पर यू आर डूइंग दैट थिंग विच यू नीड, रियली रियली यू नीड टू स्टॉप। तो दिस वॉज योर कार्ड कि जो भी है अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो बाबा पे पूरा पूरा छोड़ दीजिए। हाँ, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, जो भी आपके इश्यूज है, वो आप ज़रूर बताइए बाबा को। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो ठीक है, तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को वर्शिप कर रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, तो हम लोग अपना सब कुछ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोग हमको समझे, राइट? चाहे वो भगवान हो, चाहे वो हमारे अपने हो, जो भी हो। तो इसीलिए हम लोग जो भी है, आपकी जो भी इश्यूज है, आप बाबा को बता सकते हैं, बट आप फोर्स नहीं कर सकते कि मुझको इस तरीके से ही चाहिए है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आपको वही चीज़ दिया जाएगा जो आपके लिए अच्छा है, ना कि जो चीज़ आपको चाहिए है। सो दिस वॉज फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1। सेकेंड कार्ड इज लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। दिस इज योर कार्ड, आई जस्ट होप दिस इज विजिबल। सिंपल है कार्ड, लिव इन द प्रेजेंट, आज में जीना सीखिए। जो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, इट्स पॉसिबल कि आप लोग बहुत ज़्यादा कल के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि इसके बाद ये करेंगे तो जाके कल वो होगा, परसों वो मिलेगी, तो वो ना करें। रादर जिस मोमेंट में आप हैं, आज अभी में जिए, अभी का जो पल है उसको अच्छी तरह से जी लीजिए, क्योंकि कल का तो कोई गारंटी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा अनसर्टन है कल। कल जब आज बनेगा आपका, उस दिन आप उसके बारे में सोचिएगा, फिलहाल तो आज इस लम्हे को अच्छी तरह से जी लीजिए। सो थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1, शेल्फ लाइफ। एवरी रिलेशनशिप हैज अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तीसरा कार्ड पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप के वजह से बहुत ज़्यादा दुख में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, किसी ने अगर किसी अपने को खोया है, किसी की अगर रिलेशनशिप काम नहीं किया है, अगर किसी ने मतलब कोई भी हार्ट ब्रोकन कोई इंसिडेंट है, लाइक इफ़ समबडी गॉट डम्प्ड, किसी ने कोई डंप हुए हैं, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी ने अपनों को खो दिया है, तो उनके लिए मैसेज है कि हर रिश्ते की एक शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब एक ड्यूरेशन होती है, जैसे कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका एक रहता है ना एक्सपायरी डेट, तो रिश्ते भी वैसे ही होते हैं।
एक्चुअली देखा जाए तो हमारी खुद की एक्सपायरी डेट है, तो रिश्तों का क्या, हर चीज़ की एक एक्सपायरेशन होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, एक शेल्फ लाइफ होती है। तो अगर आप किसी रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा मौन कर रहे हैं तो वो आप ना कीजिए, बिकॉज ये इनएविटेबल है, हर किसी के साथ किसी ना किसी दिन ये होना ही है। और अगर किसी का ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोई ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल रही है, या फिर किसी का पार्टनर कहीं और कुछ इन्वॉल्व्ड है, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि हर रिश्ते की एक शेल्फ लाइफ है, जब टाइम आएगा तो वो रिश्ता भी कट जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, आप खुद को स्ट्रेस करके ना ले, बाबा इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट, एंड जिस टाइम पे जो चीज़ सही होगा वो ज़रूर हो जाएगा और आपको भी वो शांति ज़रूर मिल जाएगी। तो आप बेवजह खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रेस करके मत लीजिए। सो वी आर डन विथ पाइल नंबर वन। फर्स्ट कार्ड ऑफ पाइल नंबर टू, सरेंडर। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करेंट सिचुएशन। दिस इज योर कार्ड। सरेंडर बहुत सिंपल सा कार्ड है, कुछ भी इश्यूज है आपको, जो भी है, वट एवर द इशू दैट इज डूइंग यूर कंसर्न, जो भी आपको परेशान किया जा रहा है, कोई भी ऐसा एक कारण, तो जो भी है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ यू नो लाइक कैटेगरीज, लाइक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल, प्रोफेशनल, जो भी है, फिनेंशियल, जो भी चीज़ है, उसको बस आप सरेंडर कर दीजिए। बाबा, अगर आप बाबा के डिवोटी हैं तो बाबा को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप किसी भी दूसरे डेटी को मानते हैं, जिस किसी को भी आप वर्शिप करते हैं, आपके एंजल्स हो, आपके एसेंडेंट मास्टर्स हो, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनके ऊपर पूरा पूरा सरेंडर कर दीजिए, पूरी पूरी तरह से अर्पण कर दीजिए, जो भी है कि आप संभाल लो करके, एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ। सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर टू, बुक ऑफ लाइफ। लाइफ मे हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। दिस इज योर कार्ड। ये भी बहुत सिंपल सा कार्ड है, बट फिर भी मैं ज़रा ट्रांसलेट कर देती हूँ। जिंदगी की जो किताब है उसमें हमेशा हर पन्ना शायद अच्छा ना हो, हर पन्ने की जो स्टोरीज़ है वो भी अच्छे ना हो, हर स्टोरी की एंडिंग शायद अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किताब के जो दूसरे चैप्टर्स आएंगे वो भी उतना ही तकलीफ़ देने वाली रहेगी, या फिर उसमें भी उतनी ही उदासी रहेगी। जैसे कि कुछ उदासी भरे चैप्टर्स भी आते हैं, उतना ही बहुत दिल को छू जाने वाली, खुश कर जाने वाले चैप्टर्स भी आते हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी मायूस है तो कल हंसी ज़रूर आपको गिफ्ट में मिलेगी, और अगर आज आप बहुत खुश है तो कल अगर आपको वो थोड़ा सा तकलीफ़ मिले तो आप बहुत ज़्यादा डगमगाना। थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर टू, सर्विंग द नीडी, अ वेरी स्पेशल कार्ड इंडीड। सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। हियर इज योर कार्ड। ओके, नाउ दिस कार्ड इज फॉर जो लोग स्पेशली इन टुडेज़ डेट, बहुत ज़्यादा ये होता है ना, हम लोग स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करें, सोल को कैसे ग्रो करें, हम लोग एक सोल लेवल पे कैसे मच्योर फील करें। सेवा, चैरिटी कीजिए, सेवा कीजिए, ऑटोमेटिकली जो सोल लेवल की जो ग्रोथ है, जो अपलिफ्टमेंट है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, बट कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रख के मत कीजिएगा, बिना किसी इंटरेस्ट के बस दे दीजिएगा। जब देना होगा ना, देने के टाइम पे वापस वो कैलकुलेटिव मत हो जाइएगा, अच्छा मैं इधर ये दान कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो फिर इसका रिजल्ट मुझको वो मिलेगा, तब तो बिग जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ग्रोथ तो रही गई साइड में, रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगी आपको। तो जब सेवा करनी हो, चैरिटी करनी हो, दिल से कीजिए, सोल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो द पाइल टू इज डन एज वेल। पाइल नंबर थ्री, फर्स्ट कार्ड, वाउज एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वाउज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। दिस इज योर कार्ड।
ये कार्ड इंडिकेट करती है कि या तो आपने या फिर आपके फैमिली की कोई मेंबर ने कभी ना कभी किसी ना किसी से कुछ तो वादे किए हैं जो आप लोगों ने पूरा नहीं किया है, या तो फिर किसी भी डेटी से आपने कुछ तो मन्नत मांगे थे, जो भी भगवान को आप पूछते हैं, या तो आपके पूर्वजों ने या फिर आपके फैमिली मेंबर ने या फिर आप खुद किसी ना किसी देवी या देवता के मंदिर में जाके कुछ ना कुछ कारण के लिए कोई ना कोई मन्नत मांगे होंगे जो आज तक अभी तक आप लोगों ने पूरी नहीं किए हैं। इसके वजह से अगर अभी आपकी कोई भी एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है, मान लीजिए कुछ अच्छा होने का था उस जगह पे कुछ आपको कुछ दूसरा ही स्टोरी नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें उल्टी हो रही है, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर कहीं पे आपने कुछ वाउज या प्रोमिसेस किए हैं तो कहीं वो रह नहीं गया हो, कहीं आपसे ऐसी कोई गलती ना हो गई हो, या फिर अगर आपने नहीं किया है तो एक बार आपने आपके फैमिली मेंबर्स जो है उन लोगों से एक बार पूछ के देखिए, अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा रह गया है इनकम्प्लीट तो प्लीज़ जाके उसको पूरी कर लीजिएगा, सो थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 3, द पावर ऑफ उदी। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। क्या ही बताऊँ, क्या कार्ड है ये। बस उदी लेते रहिए, बाबा की जो उदी है अगर है आपके पास तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बाबा से प्रे कीजिए, कहीं ना कहीं से आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी बाबा की उदी। तो बस उदी लेते रहिए, और उदी लेने का एक नियम ज़रूर है, आप उदी कभी भी सूखी सूखी ना लें, उदी जब भी आप बाबा की उदी जब भी आप लेते हो तो पानी के साथ लीजिए, पानी में एक चुटकी भर हो या फिर थोड़ा सा कोई छोटे चम्मच भर के हो, आप लेके उसको पानी में घोल के उसके बाद ही पीजिएगा, बाकी तो बाबा पे छोड़ दीजिए। ये कार्ड तो है ही आपको मैसेज देने के लिए, जो भी आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल इश्यूज़ है, फिजिकल इश्यूज़ है, या मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, बस आपका काम है उदी मिला के बाबा को स्मरण करके पी जाना। थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 3, ग्रोथ। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। क्यों नहीं हो रहा है जो मुझे चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो कि मैं बाबा की इतनी सेवा किए जा रही हूँ या सेवा किए जा रहा हूँ फिर भी मुझको जो चीज़ चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ये कार्ड है कि जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं ना कि कड़वी घोट पिलाई जाती है हम लोगों को, जैसे कि कुछ वो वॉर्म्स के जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उनको वो कुछ तो कड़वी से एक दवाई पिलाते हैं ना, मुझको हर्ब के नाम नहीं याद है अभी, बचपन में हमने भी पिए हैं, तो हम लोगों को कुछ स्वीट या कैडबरी खाने का रहता है, बट मम्मी पापा हम लोगों को वो बिटर वाली जूस पिलाते हैं ताकि कल को जाके हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप ऐसे एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बाबा से कुछ मांगे जा रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड आपको वो रिफ्यूज़ किया जा रहा है, तो फिर ये आप मान के चलिए कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, कल का दिन, कल का सुबह, कल की सुबह या फिर आने वाले पलों में जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे चाहिए है उसी में मुझको वो सुख है, वो शांति है, बट एग्जैक्टली जो आपके लिए अच्छा है वही आपको दिया जा रहा है। सो वी आर डन विथ ऑल ऑफ देम, सारे पाइल ऑफ कार्ड्स हमने ओपन कर लिए हैं एंड नाउ इट्स योर टर्न। ज़रूर कमेंट कीजिए कितना आप लोग रेजोनेट कर पाए रीडिंग के साथ, एंड विदाउट फॉरगेटिंग जाने से पहले लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर थर्सडे जब मैं बाबा के डेक ओपन करती हूँ जो भी मैसेजेस आपके लिए है आप वो मिस ना करें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन बिटवीन मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल्स, कार्ड रीडिंग, अदर डेक्स भी मैं ओपन करती हूँ, जैसे कि एंजल डेक्स, एंजल ऑरेकल डेक्स मैं ओपन करती हूँ, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, ताकि वो सब चीज़ें भी आप लोगों से मिस ना हो, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई ज़ीनिया प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन नेक्स्ट थर्सडे एंड ऑल्सो इन बिटवीन विद ऑल द मेंशन्ड
वीडियोस और द टॉपिक्स दैट आई स्पोक अबाउट. टिल देन आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. नमस्ते. ओम साई राम.